दोस्तों वेलकम टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आते हैं, सिर्फ 10-12 व्यूज आते हैं और आप परेशान हो, आप चाहते हो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अच्छा खासा व्यूज आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते होंगे अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि आपके यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आ पाते। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। अगर वो पॉइंट आपने सही से समझ लिए तो आपके YouTube चैनल पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा और आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, अच्छा थंबनेल बनाते हैं, अच्छी एडिटिंग करते हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी उनके यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, यानी कि उनके चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। आते हैं कितने, 10 या 12, बट आज की ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। आप टेंशन ना लो, वीडियो देखोगे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस वीडियो में जो 5वां पॉइंट है वो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से सारे के सारे पॉइंट आपको सही से और अच्छे से समझने हैं। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पता है कि हम वीडियो क्वालिटी के साथ विश्वास भी देते हैं। देखो दोस्तों, हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, बट यूट्यूबर बनने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत तो हर कोई करता है, हर कोई अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करता है, बट माइंड गेम कोई कोई खेलता है। अगर दोस्तों आप भी माइंड गेम खेलोगे तो आपके भी व्यूज बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कई सारी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है, वो स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो सबसे पहली मिस्टेक ऐसी होती है जो आपको बर्बाद कर देती है, वो होती है आप अपने चैनल के वीडियोस को कहीं पे शेयर करना। आपको अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो, सारी वीडियो कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, उससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है और मेरे चैनल पे भी ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई थी, जब मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते थे तब मैंने इन ट्रिक का इस्तेमाल किया। पहला कि मैं अपने चैनल की जो वीडियोज है वो मैंने शेयर करना बंद कर दिया, और अगर करता भी था एक ही वीडियोस का करता था। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। अगर हम सारे वीडियोस को शेयर करेंगे, जो भी वीडियोस हमने पब्लिश करी वही शेयर करेंगे, तो हमारा जो है ऑडियंस रिटेंशन खराब हो जाएगा, और यूट्यूब की एल्गोरिदम है, अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन डाउन रहता है पहले की वीडियोस के मुकाबले, तो यूट्यूब की एल्गोरिदम आपको बूस्ट नहीं मारेगी और आपके चैनल का इंप्रेशन नहीं भेजेगी। या फिर यूं कहें कि आपने कोई भी वीडियोस अपलोड करी और उस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दिया जो इंटरेस्टेड है ही नहीं, मतलब ऐसे लोगों के जिन पे वो कैटेगरीज है ही नहीं। मान लिया आपका यूट्यूब चैनल टैग के रिगार्डिंग है या फिर अर्निंग के रिगार्डिंग है, और आप वीडियोस उन लोगों को शेयर कर रहे हो जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है या फिर कुकिंग में इंटरेस्ट है या फिर खाना बनाने में है या फिर घूमने में है, मतलब ऐसी वीडियो आप ऐसे लोगों के साथ भेज रहे हैं जहां पे उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इससे क्या होगा, ऑडियंस रिटेंशन खराब होगा। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। दूसरी बात, अगर वीडियोस आपको शेयर करनी भी है तो आपको एक ही वीडियो शेयर करनी है। मान लिया जाए एक हफ्ते में आपने 8 वीडियोस को अपलोड किया, तो अब ये मत करना कि सारे के सारे वीडियोस को आपको शेयर करना है, नहीं, आपको उनमें से एक वीडियोस को लेना है और उसी वीडियोस को हर जगह शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। उससे होगा क्या कि आपका ऑडियंस रिटेंशन खराब होगा, तो एक ही वीडियोस का होगा, और जब एक वीडियोस पे आपके दोस्त आ जाएंगे, आपके फ्रेंड आ जाएंगे, उसको देखेंगे, तो दूसरी वीडियो ऑटोमेटिक ब्राउज फीचर में दिखने लग जाएगी, सजेशन में दिखने लग जाएगी। कहने का मतलब है कि वीडियोस को आपको सारी को शेयर नहीं करना चाहिए, एक ही वीडियो शेयर करें, एक ही वीडियोस टारगेट करें, उससे ही आपके व्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के, और इसको मैं ट्रिक भी बोलता हूं। अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाने से पहले, शूट करने से पहले आपको थंबनेल बनाना जरूरी है। अगर आप पहले ही थंबनेल बना लोगे तो उसको आप कवर कर सकते हो अपनी यूट्यूब की वीडियोस में, यानी कि आपको पता है कि थंबनेल आपने किस कैटेगरीज का बनाया है, और उसके बाद अगर आप वीडियो शूट करोगे तो उस थंबनेल पे जो आप लिखोगे, जो लाइनें लिखोगे, उसको आप हैंडल कर सकते हो अपने यूट्यूब के वीडियोस में। एग्जाम्पल पे मान लिया कोई क्लिक बैट किया है आपने अपने थंबनेल पे, तो उसको आप हैंडल कर सकते हो, किसको, वीडियोस भी जब आप शूट करेंगे तब आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो। दूसरी बात, आपको यह भी पता रहेगा कि वीडियो किस टॉपिक पे थी, मुझे कहां से वीडियो स्टार्ट करनी है और कहां पे खत्म करनी है, किस वे में मेरे को समझाना है, और किस वे में अगर समझाऊंगा तो मेरी ऑडियंस अट्रैक्टिव रहेगी, यानी कि आप अपने टॉपिक से भी नहीं भटकेंगे। इसी वजह से मेरा एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, और जो कई साल से मैं मेहनत कर रहा हूं, कई साल से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि पहले आप थंबनेल बनाइए उसके बाद वीडियो शूट करिए, क्योंकि आपको यह पता रहेगा कि कहां पे मुझे क्या बात करनी है। और एक बात इंपॉर्टेंट और बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग में थंबनेल बनाओगे तो उसके बाद स्क्रिप्ट भी आप बनाइए। अगर स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करोगे तो आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, आपकी ऑडियंस बोर नहीं होगी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि मुझे स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट में क्या बोलना है, बीच में क्या बोलना है और लास्ट के पॉइंट्स में मुझे कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। ये सब बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट के बिना आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियोस को पब्लिश करते हो तो एज पर कैटेगरीज करें। मतलब इसका मतलब क्या है एज पर कैटेगरीज? मान लिया आपका यूट्यूब चैनल टैग के रिगार्डिंग है और वीडियोस आपने न्यूज के रिगार्डिंग अपलोड कर दी, तो ऐसे में क्या है कि आपने कैटेगरी चेंज नहीं करी। कैटेगरी चेंज आपको करनी पड़ेगी। न्यूज की वीडियो है तो न्यूज के हिसाब की कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपका टैग की वीडियोस है तो साइंस टेक्नोलॉजी आपको करना पड़ेगा। ये होता कैसे है? आपको अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, वहां पे चैनल्स में जाना पड़ेगा, एडवांस में जाना पड़ेगा। वहां पे जब वीडियोस अपलोड करते हैं तो वहां पे एक सेक्शन मिलता है आपको, ठीक है, कैटेगरीज। तो वहां पे कैटेगरीज आपको सेलेक्ट करना है। जहां तक कि मैं सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, सारी टैग की वीडियो अपलोड करता हूं, इस वजह से मैं यहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं। इससे मेरे अच्छा खासा व्यूज मिलता है और अच्छी खासी रीच भी मिलती है। मतलब मेरी वीडियो जो भी जाएगी वो इन्हीं कैटेगरीज के हिसाब के लोगों को जाएगी, और जब इसी तरह के लोग इस वीडियोस को देखेंगे तो इनको इंटरेस्ट आएगा, तो इंप्रेशन और बढ़ेगा। इंप्रेशन अगर बढ़ता है तो व्यूज भी बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि आप जब भी वीडियोस को पब्लिश करो तो आप ये जरूर चेक करें कि आप कौन सी कैटेगरीज में वीडियोस को पब्लिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेटिंग बिगड़ जाती है, या फिर आप ध्यान नहीं देते, या फिर आपको कोई दोस्त ने आपकी सेटिंग को खराब कर दिया है। तो इस कैटेगरीज की सेटिंग को आपको बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। इसके बिना तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप यूट्यूब चैनल ग्रो करने में कई साल लग सकते हैं, और ऐसा यूट्यूबर के साथ लगा भी है। इसका मतलब है फाइंड द ट्रेंडिंग टैग्स। अब आपको पता है कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करते हैं तो उसी दौरान हमें डिस्क्रिप्शन दिखता है, टाइटल दिखता है, साथ में हमें टैग्स भी दिखते हैं। टैग्स बहुत मैटर करते हैं आप किसी भी वीडियो को रैंक कराने में। तो आप दो तरीके से यहाँ पे वीडियो के टैग्स को फाइंड कर सकते हैं, ट्रेंडिंग टैग को। पहला कि आपको यूट्यूब सर्च रिजल्ट जो होता है उसमें आपको जो भी आपका टाइटल है वो टाइटल आपको वहां पे डालना पड़ेगा, और उस टाइटल के हिसाब से जो भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं उनको आपको कॉपी करके आपको अपने यूट्यूब वीडियोस के टैग्स में डालना पड़ेगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, इसका नाम है रैपिड टैग्स। अब इस वेबसाइट में ट्रेंडिंग टैग्स ही मिलते हैं। मैं पिछले एक दो साल से इसको यूज कर रहा हूं और इससे मुझे इतनी आसानी हो जाती है। अगर मैं लिखता हूं व्यूज कैसे बढ़ाए तो मेरे को ऑटोमेटिक यहां पे कई सारे टैग्स मिल जाते हैं, इनको मैं कॉपी करता हूं और यूट्यूब वीडियोस के टैग सेक्शन में जाके इनको पेस्ट कर देता हूं, तो मेरा काम ईजी रह जाता है और मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता, और मेरी वीडियोज के जो टैग्स है वो रैंक भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से इन दोनों ट्रिक्स का इस्तेमाल आपको करना है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ये पॉइंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर इस पॉइंट को आप मिस करते हो तो वाकई में आपके यूट्यूब चैनल पे 10-12 व्यूज ही आते हैं। उसका रीजन ये है कि इस पर आप ध्यान ही नहीं देते हो। देखो यहां पर आपको एक बता दूं कि टाइम टेबल बहुत मायने रखता है। अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं करोगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मान लिया आपका कॉलेज 10 बजे का है, तो आपका टाइम टेबल हो गया है कि 10 बजे से 4 बजे तक के मेरी जो है स्कूल का टाइमिंग है। अगर आपके स्कूल वाले कभी 10 बजे कर देंगे, कभी 12 बजे कर देंगे, कभी 1:30 बजे कर देंगे, कभी 9 बजे कर देंगे, कभी 8 बजे कर देंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, मतलब उनको दिक्कत होगी, टीचर्स को भी दिक्कत होगी, जो सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है। इसी तरह यूट्यूब की एल्गोरिदम भी है। अगर आप यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से वीडियोस को अपलोड नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसी वजह से मैं हर बार कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं कि दोस्तों अगर आपको वीडियोस अपलोड करनी है तो आपको एक टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। चाहे आप सुबह के 8 बजे कर सकते हैं, दोपहर के 1 बजे कर सकते हैं, दोपहर के 3 बजे कर सकते हैं, शाम के 8 बजे कर सकते हैं, रात के 9 बजे कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियोस अपलोड करें तो रात के 8 बजे से पहले करें, क्योंकि दोस्तों यहां पे रात के 8 बजे जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो जल्दी ही सो जाते हैं और उनको पढ़ाई भी करनी होती है। इसी वजह से मैं कहता हूं या तो दोपहर के 3 बजे, 5 बजे या फिर शाम के 7 बजे आप ऐसा शेड्यूल करिए और उसी शेड्यूल पर आप वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करिए। यहां पर ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, ये स्क्रीन चार्ट आपको दिखाता हूं। इसका मतलब ये होता है कि आपके यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा ऑडियंस कहां पे एक्टिव है।
आप जरा देखिए, भापिए इसको, टाइमिंग देखिए, उसी टाइमिंग के हिसाब से आप वीडियोस को पब्लिश करिए। डेफिनेटली जब आप वीडियोस को इसी हिसाब से पब्लिश करेंगे तो आपके चैनल पे जो व्यूज है वो ज्यादा भी आएंगे। क्यों आएंगे? मान लिया आपके यूट्यूब चैनल पे इस टाइम 100 व्यूज आता है तो 200 हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपकी ऑडियंस उस टाइम एक्टिव है, आपकी ऑडियंस और चैनल्स को भी देख रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने स्टार्टिंग में काफी सारी गलती करी है। मेरा एक नहीं कई सारे यूट्यूब चैनल है और मैं उनको रन करता हूं, पर एक्चुअली में बात यह है कि जब मैं टाइम टेबल के हिसाब से वीडियोस को पब्लिश नहीं करता था तो मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी वीडियोस पे तो अच्छे खासे व्यूज आते थे और कोई वीडियो रुक जाती थी। उसका रीजन ये है कि मैं यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से वीडियोस अपलोड नहीं करता था। फिर मैंने एक मन बनाया कि अब मैं जो काम करूंगा वो टाइम टेबल के हिसाब से काम करूंगा। यूट्यूब के एल्गोरिदम ने मेरे को सपोर्ट भी किया, तभी मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है ना फिर 50,000 सब्सक्राइबर हुए, फिर 1,00,000 हुए, फिर 1.5 लाख हुए, फिर 2 लाख हुए, 3 लाख भी हुए, अब 3,30,000 प्लस सब्सक्राइबर है। रीजन यही है कि मैं टाइम टेबल से वीडियोस को पब्लिश करता हूं। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर ये पांचों पॉइंट आपने समझ के अपने यूट्यूब चैनल पे इंप्लीमेंटेशन करोगे तो यकीन मानिए आपके चैनल पे जो भी 10 12 या 15 व्यूज आते थे उससे ज्यादा आने लग जाएंगे। वो कन्वर्ट कब हो जाएंगे 500 से 1,000 व्यूज में आपको पता ही नहीं चलेगा। बट क्या करना पड़ेगा, ये जो पांचों पॉइंट बताया है ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है और जब भी आपको वीडियो को शूट करना है और वीडियोस को पब्लिश करना है ये सब बातें आपको याद करके ही इंप्लीमेंट करनी है अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने वीडियोस पे, तब आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा और आपका यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा। आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे और आप भी अपने सपने को साकार करोगे। कल एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1,000 सब्सक्राइबर कैसे किया जाता है। उस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। भले आपके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए बट वो वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव सब्सक्राइबर आपको कैसे लेने हैं। और आपके यूट्यूब चैनल पे अगर 1,000 सब्सक्राइबर एक्टिव भी मिल गए तो आपके यूट्यूब चैनल की बल्ले बल्ले हो सकती है और आपका जो ना व्यूज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आप जरूर से देखोगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।